ये हमारे यहाँ छोई क्षेत्र में 1 अक्टूबर को एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को दो गोलियां लगी थी। उसके बाद इसमें पुलिस ने FIR दर्ज करी और इस मामले की पूरी जांच करी। इस क्रम में हमें ये जानकारी में आया कि ये जो घायल व्यक्ति थे, इनके और इनके साथ के जो थे एक महेश आगरी करके, इन लोगों के द्वारा मिल करके एक 70 एकड़ की ज़मीन रखी गई थी, जिसके ये देख रेख कर रहे थे। और जो इनके साथी थे वो इसको बेचना चाह रहे थे, जिसको ये जो है अवरोध या बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जिसको लेकर इनके बीच विवाद था। तो जिनके साथी हैं उनको ऑब्जर्व किया गया, महेश आगरी को, और तो उसमें जानकारी में आया कि उन्होंने जो है इस विषय पर 3 लोगों को हायर किया था और इनको रास्ते से हटाने के लिए, इनको मारने के लिए उन्होंने प्लान किया था। इन 3 लोगों के बारे में हमने डिटेल पता किया, तो जो है इनको काफ़ी समय से जो घायल थे इनको रेकी किया जा रहा था, इनके पीछा किया जा रहा था और इनको टारगेट करके इन पर ये फायरिंग करी गई, इनको मारने के लिए फायरिंग की गई थी। इसमें हमने अभी तक जांच में एक व्यक्ति जो उस मौके पे था, इरशाद, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है नजीबाबाद से। बाकी जो है 2 लोग जो उसके और साथी आए थे मारने के लिए, वो दोनों दिल्ली में हैं, जिनको पकड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जो मेन इसमें कॉन्स्पिरेटर है महेश आगरी, वो भी अभी फरार चल रहे हैं। 3 अभियुक्त अभी इसमें बाकी हैं, 1 को हमने इसमें गिरफ्तार किया।